हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम अपना पॉलिटिकल नया लेक्चर। आज हम समझेंगे आर्टिकल 101 से लेकर 108 तक जितने भी आर्टिकल हैं उन्हें वन बाय वन डिटेल में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास आर्टिकल आता है आर्टिकल 101। आर्टिकल 101 क्या बोलता है? आर्टिकल 101 की डेफिनेशन देखें तो वैकेशन ऑफ सीट्स। वैकेशन ऑफ सीट्स की बात करें तो किस तरीके से, क्या मतलब वैकेशन ऑफ सीट्स का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल की मान लो एक एमपी है, वो चूज किया जाता है कहाँ पे? लोकसभा में। तो लोकसभा में जैसे वो चूज होगा तो एट ए टाइम क्या होगा कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है उससे कुछ गलती हो जाए, उसको वेकेंट भी कर दिया जाए, उसको निकाल भी दिया जाए। तो उसी की चर्चा हो रही है 101 में, मेनली किस चीज के लिए कि जब भी उसको वेकेंट किया जाएगा वो किसके लिए। अगर उसकी क्या होगा, मान लो कि उसने किसी और सीट पे भी, वो राज्यसभा में भी सीट है उसकी और लोकसभा के लिए भी जीता है, तब उसकी एक सीट जो है वो खारिज कर दी जाएगी, या तो राज्यसभा की या तो लोकसभा की। वैसे ही वो किसी प्राइवेट सेक्टर में भी कोई ओहदा लेकर बैठा हो, किसी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में ओहदा लेकर बैठा हुआ, तब भी उसकी सीट जो है वो खत्म कर दी जाएगी। या फिर वो किसी गवर्नमेंट नौकरी पे है, मान लो कि आप एक गवर्नमेंट नौकरी में हैं और साथ में आप एक एमपी भी हो, तब भी आपकी सीट जो है वो जो कि रद्द कर दी जाएगी। तो इसकी चर्चा किसमें, आर्टिकल 101 क्या बोलता है कि वेकेशन ऑफ सीट्स, जो भी सीट्स हैं उनको वेकेंट किसके बेसिस पर किया जाएगा। और मेनली देखा जाए तो आर्टिकल 101 से लेकर आर्टिकल 104 तक मेनली क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन, किस तरीके से आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, उसकी चर्चा किसमें, 101 से लेकर 104 में। देन हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, आर्टिकल 102 में। आर्टिकल 102 बोलता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर मेंबरशिप, आपको मेंबरशिप से ही डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा। इसकी चर्चा किसमें है, 102 में। सेम रीजन रहेंगे यही कि कुछ अगर सीट्स हैं या फिर कुछ ऐसा हुआ कि आपके ऊपर कोई अपराध है तो आपको मेंबरशिप ही नहीं लेने दी जाएगी। जैसे कि आपको सबको पता होगा कि पिछले इलेक्शन जब हुई तो पहले क्या हुआ कि आज से एक 2 साल पहले, 2 साल पहले की ये बात है कि राहुल गांधी पे एक आरोप लगाया गया कि एक परिवार जिसमें कि एक सदस्य था उसका, जिसका कि नाम था कुछ मोदी सरनेम करके, तो उसने राहुल गांधी पे आरोप लगाया क्योंकि वो मोदी पे कुछ टिप्पणी करते थे प्रधानमंत्री पे। तो उन्होंने बोला कि सरनेम पे आपको टिप्पणी नहीं कर सकते। उसके बेसिस पर क्या हुआ कि गुजरात के हाई कोर्ट ने क्या करा उनको, जो कि इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने वो केस फिर से लड़ा और फिर वो जीत गए और अब वो इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से जो होता है डिस्क्वालिफिकेशन और मेंबरशिप, मेंबरशिप से आपको डिस्क्वालिफाई कर दिया जाता है। देन हमारे पास आता है आर्टिकल 103। आर्टिकल 103 क्या बोलता है, डिस्कशन ऑन क्वेश्चन राइज ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। जब भी किसी को डिस्क्वालिफाई करना होगा, या फिर बोल सकते हैं कि डिस्क्वालिफाई करने का एक और रीजन भी था, जैसे हमने देखा कि दल बदल जो कि था, एंटी डिफेक्शन लॉ भी लगाया जाता है। एंटी डिफेक्शन लॉ को कौन लगाता है, मेनली देखा जाए तो लोकसभा के स्पीकर के पास उसकी ओर हेड हुआ करते, लेकिन उसको लीड करते, लेकिन वो किसके लिए, किसके द्वारा लगाया जाता है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा लगाया जाता है। तो वैसे ही जब भी डिसीजन होगा क्वेश्चन के, डिस्क्वालिफिकेशन के क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन अराइज हुआ कि इनको, इस पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, तब वो क्वेश्चन किसके पास जाएगा, वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास। तो ये क्वेश्चन जो भी अराइज होगा किसी की डिस्क्वालिफिकेशन पर या कुछ भी ऐसा इशू आता है, तो सबसे पहले किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। देन हमारे पास आता है आर्टिकल 104। आर्टिकल 104 क्या है, पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ आर अफर्मेशन अंडर आर्टिकल 99। जब हम आर्टिकल 99 पढ़ रहे थे तब हमने उसमें एक चीज पढ़ी थी कि जो भी व्यक्ति सिलेक्ट होगा एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर इलेक्ट होगा, सिलेक्ट तो नहीं होगा, इलेक्ट होगा वो क्योंकि इलेक्शन लड़के आया, इलेक्ट होगा तो वो क्या करेगा, वो ओथ लेगा। तो आर्टिकल 99 क्या बोलता था कि ओथ लेगा वो, और उसको ओथ कौन दिलवाएगा, जो कि प्रोटेम स्पीकर है, तो वो ओथ दिलाएंगे किसको, जो कि एमपी सिलेक्ट होगा। तो अगर मान लो कि वो पर्सन जो है वो अभी तक सिलेक्ट ही नहीं हुआ, इलेक्ट ही नहीं हुआ है, इलेक्शन में उसको चूज ही नहीं किया गया है, या फिर उसने अभी तक ओथ नहीं ली है, कुछ ऐसा होता है, तो अगर वो क्या करता है कि वो पार्लियामेंट में बैठ के वोटिंग करता है या कुछ भी ऐसा करता है, तब उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। और एक और रीजन, अगर वो नॉट क्वालिफाइड है या फिर डिस्क्वालीफाइड है, तब भी उस पर क्या होगा, पेनल्टी लगाई जाएगी। वो बोला आर्टिकल 104 में। आर्टिकल 105 में अगर बात करें, आर्टिकल 105 क्या बोलता है कि पावर्स प्रिविलेजेस एक्ट ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड द मेंबर्स एंड कमिटीज देयर ऑफ। जो भी पर्सन एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेगा, एमपी रहेगा, तो उसको क्या होगा, कुछ अलाउंस मिलेंगे, कुछ प्रिविलेजेस मिलेंगी, ठीक है। तो वो पावर्स प्रिविलेजेस, सबको पता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास बहुत सारी पावर्स होती है, कुछ पावर्स नहीं होती, काफी पावर्स होती है। एमपी लड जैसी स्कीम जिसमें कि 5 करोड़ रुपया आपको हर साल का मिलता है खर्च करने के लिए अपनी उस कॉन्स्टिट्यूशन में, सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो वो किसको मिलता है, एमपी को। तो वो पावर्स है उनकी, और भी बहुत सारी पावर्स है, गाड़ी मिलती है, फिर नौकर जाकर जो भी आप बोल सकते हो उनकी तनखा, तो वो कुछ प्रिविलेजेस हैं, पावर्स हैं, अलाउंस हैं, जो कि किसको मिलता है, जो कि मेंबर है, किसके मेंबर है, पार्लियामेंट के, जहाँ कुछ कमेटीज बनाई जाती है, जो कि पार्लियामेंट की कमेटीज होती है, पार्लियामेंट्री कमेटी, तो उनको क्या होता है, ये पावर्स और प्रिविलेजेस मिलती है। देन हम देखते हैं आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 किसकी बात करता है, सैलरीज एंड अलाउंस। इसमें किसकी बात है, पावर एंड प्रिविलेजेस, और 108 में क्या है,
सैलरीज और अलाउंस। सैलरीज जो कि उनको वेतन मिलता है वो तो हो गया, एक होता है उनको भत्ता भी मिलता है, तो वेतन के साथ भत्ता जो मिलता है उसको बोलते हैं अलाउंस। तो एक्स्ट्रा जो कि पैसे मिलते हैं, एक्स्ट्रा जो वेतन में एक्स्ट्रा एड ऑन मिलता है उसको बोलते हैं अलाउंस। सो कुछ सैलरीज और अलाउंस उसकी चर्चा किसमें 108 में, देन सॉरी 106 में, 108 में तो ज्वाइन सेशन, देन 107 में, 107 की बात करें प्रोविजन एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। क्या होगा कि प्रोविजन क्या है 107 में, क्योंकि जब हम 109 में चलेंगे, 108 के बाद 109 में चलेंगे, तब हम देखेंगे बिल्स किस तरीके से जो बिल आते हैं उन पर चर्चा करेंगे। और फिर सबसे पहले हमारा पास जो बिल आएगा 110 में, जिसको कि हम बोलते हैं मनी बिल, उसको हम समझेंगे उसके बाद। तो बिल जो है, बिल होता क्या है, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो बिल मान लो कि हमारे पास ये बिल है, मान लो कि हम गवर्नमेंट है, मैं गवर्नमेंट हूँ, मैं गवर्नमेंट में बैठा हूँ, ठीक है। तो मेरा क्या हुआ कि मैं चाहता हूँ कि मान लो कि एक बिल चाहिए कि इस बार की इलेक्शन होगी वो 2025 में, मान लो ऐसे एग्जाम्पल लो 2025 में इलेक्शन देंगे। तो मैंने क्या करा, एक बिल लेकर आया, बिल में कहाँ लेकर गया, राज्यसभा में और लोकसभा दोनों में लेकर गया, ठीक। वो बिल है, बिल जब पास हो जाता है कहाँ पे, राज्यसभा में और लोकसभा में, वो जाता है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट अगर उसको सिग्नेचर कर देते हैं, आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट वो बन जाता है, क्या बनता है वो, एक्ट। एक्ट बनता है कब, जब प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं। तो उस बिल को, जो कि बिल यहाँ से मैंने स्टार्ट करा, इसको लाने का जो प्रोसीजर है, किस तरीके से उसको लेकर आते हैं, उस बिल की जो चर्चा है वो किसमें 107 में, प्रोविजन जो है और उसकी जो इंट्रोडक्शन है वो किसमें, पासिंग ऑफ बिल्स के, वो है 107 में, आर्टिकल 107 में। देन हमारे पास चलते हैं आर्टिकल 108 में। काफी दिनों से, 3-4 दिनों से हम पहले भी, हमारे जो इससे पिछले जो 3-4 लेक्चर रहे उसमें हमने काफी डिस्कस करा इसके बारे में, ज्वाइंट सेशन के बारे में, ठीक है। काफी विस्तार में हम समझ चुके हैं इसको, लेकिन फिर से एक बार समझ लेते हैं, जिन्होंने वो नहीं देखा तो उनके लिए समझते हैं कि ज्वाइंट सीटिंग 108 में क्या था, ज्वाइंट सीटिंग हमने जिसको बोलते हैं ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन और ज्वाइंट सीटिंग क्या होती है, मान लो कि राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में एक बिल गया, राज्यसभा ने उसको पास कर दिया, लेकिन लोकसभा ने उसको पास ही नहीं करा। लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा ने उसको पास नहीं करा, तो क्या होगा कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में टक्कर होगी। तो किसको जो कि महत्वपूर्ण माना जाए, महत्ता किसको दी जाए, तो वो तय करने के लिए क्या होता है कि एक ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, किसका, राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिलाकर, और दोनों मिलकर क्या करेंगे, उस पर बैठेंगे एक साथ, तो फिर से वो बिल जो है उस पर वोटिंग होगी। और जिसकी तरफ वोटिंग ज्यादा होगी, हाँ की तरफ, अगर चाहते हो कि बिल पास हो जाए, मान लो ये बिल था और ये पास होना चाहिए, तो टोटल पर्सन कितने होते हैं, 790 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा लोकसभा को मिला के। 799 मेंबर्स में से अगर जो कि अधिकतर जो वोटिंग होगी, अगर वो हाँ की तरफ होगी कि बिल पास होना चाहिए, तो बिल पास हो जाएगा। अगर अधिक लोगों ने कहा कि नहीं होना चाहिए, तो बिल पास नहीं होगा, वहां से बिल पास ही नहीं होगा। बिल पास है राज्यसभा, लोकसभा में बिल ही नहीं पास हो रहा, तो प्रेसिडेंट तक जाएगा नहीं। प्रेसिडेंट तक बिल तभी जाता है जब बिल वो पहले पास हो। तो बिल पास होने के लिए राज्यसभा लोकसभा के, इसलिए वो क्या बुलाया जाता है, ज्वाइंट सेशन। और ज्वाइंट सेशन हमेशा किसके द्वारा बुलाया जाता, वो भी बुलाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट ही ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं जबकि किसमें विवाद हो जाए, राज्यसभा लोकसभा में विवाद हो जाए कि किसको महत्वपूर्ण माना जाए, तब क्या किया जाता है, ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। राज्यसभा और लोकसभा को दोनों को मिला के इकट्ठे बैठाया जाता है और फिर वोटिंग करवाई जाती है। अभी तक अगर भारत की बात करें तो 3 बार ज्वाइंट सेशन जो कि आ चुका है, पहली बार आया था 1961 में, जो कि डोरी के लिए, डोरी जो कि सबको पता है कि दहेज प्रथा, दहेज प्रथा के खिलाफ बिल लाया गया, तो उस पर ज्वाइंट सेशन बुलाया गया 1961 में। 1978 में बैंकिंग के खिलाफ, बैंकिंग सिस्टम था हमारा उसकी तरफ। देन 2001 में कोटा एक्ट, जिसको भी कहा गया था प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट में क्या हुआ कि 2001 की बात करें, और इन तीनों में एक जो प्रमुख जो किरदार निभाया वो हमेशा किसने, अटल जी ने। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में काफी सुना भी होगा, और हमारे देश के, अगर मैं अगर किसी प्राइम मिनिस्टर को मानता हूँ ना कि वो अब तक का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, तो सबसे पहले मैं उन्हीं का नाम लूंगा। और अगर प्रेसिडेंट की बात करूँ तो सबको पता है सॉरी एपीजे अब्दुल कलाम, ये 2 पर्सन ऐसे रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात की, ये दोनों एक ही टाइम पे, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो वो प्रेसिडेंट थे, तो एक जो कि जोड़ी थी ना इनकी, वो मतलब बेमिसाल थी, ठीक है। तो वही जो है वोट एक्ट जो है, या फिर बैंकिंग एक्ट, या फिर डोरी है, डोरी एक्ट, जो तीनों ही एक्ट कब, अटल जी इन तीनों में ही मौजूद थे। सो ये 3 बार अभी तक ज्वाइंट सेशन जो कि बुलाया गया है। अब देख लेते हैं कि ज्वाइंट सेशन जो है वो कब नहीं बुलाया जाता। तो ज्वाइंट सेशन मेनली जब इम्पीचमेंट हो, इम्पीचमेंट किसकी होती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक ना हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखे तो सबसे पहले जाके वो वाले लेक्चर देखें, क्योंकि आपको आसानी होगी आगे की चीजें समझने में, क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं हमने आर्टिकल 1 से लेकर अभी हम आर्टिकल 100 क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी तक हम 100 से ज्यादा आर्टिकल्स पढ़ चुके हैं, आज हम 104 पढ़ लेंगे, 108 सॉरी 104 यहाँ तक हो गया, 108 पढ़ लेंगे। तो इतने सारे आर्टिकल्स हम अभी तक पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो उनको देखें पहले जाके, ताकि आपको आगे चलकर
मुश्किल ना हो उन चीजों को डायरेक्टली समझे। तो इम्पीचमेंट दो चीजों को लाते हैं हम, एक प्रेसिडेंट के लिए, ये भी हमने देखा था, देन एक वाइस प्रेसिडेंट के लिए, क्योंकि ये दोनों ही मेनली एक राजा है और एक वाइस भी, और राजा कह सकते हो आप उपराजा, उन दोनों को, राजा को हटाने के लिए आप सिंपली तो नहीं हटा सकते ना उनको कि अपनी मर्जी, जब मन करा प्रेसिडेंट बनाया, जब मन करा प्रेसिडेंट को हटा दिया, तब उनके लिए क्या लाना पड़ता है, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मतलब एक थोड़ा, अगर हिंदी में आप बोले तो महाभियोग, तो एक मतलब बड़ा सेशन बुलाना पड़ता है, बड़ी वोटिंग करनी पड़ती है, 66% वोट चाहिए आपको, 66% वोट होंगे तभी आप उनको निकाल सकते हो, ठीक है। देन एक बार मनी बिल, मनी बिल में ज्वाइन सेशन नहीं वो कर सकते, ला सकते, मनी बिल को हम समझेंगे, ठीक है। 110 में, 10 में, 110 में हम मनी बिल समझेंगे, उसके बाद 111 में, 112 में बजट, और ये सब कुछ समझते जाएंगे धीरे धीरे हम, ठीक है। देन अमेंडमेंट जब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेंडमेंट किया जाएगा, अमेंडमेंट किस में, कॉन्स्टिट्यूशन में, तब भी क्या होगा, जो ज्वाइंट सेशन है वो नहीं बुलाया जाता, कब कब, मनी बिल में, इम्पीचमेंट में और अमेंडमेंट में, इन तीनों ही फेसिस में ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाता, अदरवाइज जो है ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। ज्वाइंट सेशन हमेशा किसके द्वारा बुलाया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा, और अभी तक 3 बार ज्वाइंट सेशन जो कि लग चुका है। आज हमने देखा आर्टिकल 101 से लेकर 108 तक, आर्टिकल 101 में वोकेशन ऑफ सीट्स, 2 में डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, 103 में डिसीजन ऑन क्वेश्चन राइजेस क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, देन आर्टिकल 104 में पेनल्टी ऑफ सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग अफर्मेशन, उससे पहले अगर वो करते हो तो उसमें, 105 में उनकी पावर्स और प्रिविलेजेस, 106 में सैलरीज और अलाउंस, और 107 में जो कि हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन लाते हैं किस चीज की, बिल की, और 108 में हमें ज्वाइंट सेशन को समझा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे जो कि बिल्स के बारे में, मनी बिल किस तरीके से लाया जाता है, मनी बिल होता क्या है, तो 110 और 10 और 111 को एक साथ हम समझ लेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।